आई ग्लो। ओके, जब आई ग्लो का बात आता है, ये स्लाइड आप थोड़ा ध्यान से आप देख सकते हो। आई ग्लो इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट इन इंडिया। इसका मतलब है आई ग्लो जो है ये पहला प्रोडक्ट है इंडिया में, दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, सेकेंड ऑफ इट्स काइंड नहीं है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपका शरीर को अंदर से कंडीशन करता है, बाहर आपका जो त्वचा का कांति है, त्वचा का जो यू नो द ग्लो है उसको बढ़ाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोडक्ट को हम आई ग्लो बोलते हैं। सो आगे जाते हैं दोस्तों। आई ग्लो जो है, आई ग्लो का बेसिस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोगों को सुंदर दिखना बहुत बहुत आवश्यक है, करेक्ट? सब लोग सुंदर दिखना चाहिए, सब लोग खूबसूरत दिखना चाहिए। दिस इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट ऑलवेज। बट खूबसूरती मतलब क्या है, ब्यूटी मतलब क्या है? जब बाहर आपको दिखता है वो ब्यूटी है क्या, या फिर अंदर आपको दिखता है वो ब्यूटी है क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाहर दिखता है वो दिखने में ब्यूटी है, बट अंदर जब आपका जो ऑर्गन्स रहता है उसका जब ब्यूटिफिकेशन बढ़ता है तभी आपको हम ब्यूटीफुल बोलते हैं। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज खूबसूरती। मतलब खूबसूरती जो है वो आपका त्वचा के ऊपर दिखना वो उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। जब आपका त्वचा का अंदर का जब ब्यूटी बढ़ता है उसको हम खूबसूरती बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। सो आगे जाते हैं दोस्तों। अभी अभी हमारा इंडिया में वी कॉल इट एज ब्यूटी मार्केट। एक मार्केट ही है इंडिया में, इसको हम ब्यूटी मार्केट बोलते हैं। आप स्लाइड पे देख सकते हो 2024 तक पूरा भारत देश में 2,463.49 बिलियन खर्चा जो है ये ब्यूटी का प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा भारत देश में अगले 4 साल में होने वाला है। मतलब सब इंडस्ट्री अभी ब्यूटी का प्रोडक्ट्स में गिरने वाले है। सी बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ सकता है मेरे दोस्तों, बट सब लोग जो है बाहर से जो ब्यूटी को बढ़ाता है, बाहर से जो प्रोडक्ट्स होता है इसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, बट हमारा प्रोडक्ट जो है अंदर से आपका जो खूबसूरती है उसको बढ़ाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आवर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इंटरनल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं। आई होप द प्रोडक्ट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। सो आगे जाते हैं दोस्तों। अभी इस प्रोडक्ट्स को हम न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी पुकार सकते हैं। आई टोल्ड यू टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहले इस प्रोडक्ट को हम इंटरनल कॉस्मेटिक बोल सकते हैं, दूसरा जो है इस प्रोडक्ट्स को हम न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी पुकार सकते हैं। सो द न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इट इज वेरी सिंपल। जब आपका न्यूट्रिशन और हर्बल एक्सट्रैक्ट साथ में होता है इसको हम न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पुकार सकते हैं। इट इज सिंपल। एडिशन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों का जब मिलन होता है इसको हम न्यूट्री कॉस्मेटिक्स पुकारते हैं। आई ग्लो इज अ न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। सो गोइंग अहेड, आई ग्लो में पहला जो इंग्रेडिएंट है इसको हम केसर बोलते हैं, सैफरन। आप सब लोगों को पता है इवन कश्मीर से जो सैफरन जो मिलता है, जो वर्ल्ड का बहुत अच्छा सैफरन है, अच्छा क्वालिटी वाला सैफरन है, वो सैफरन का केसर का इस्तेमाल हमारा प्रोडक्ट आई ग्लो में हम कर रहे हैं। सो सैफरन जो है इसको हम स्पाइस भी बोल सकते हैं एक्चुअली। सो अगला स्लाइड पे आप देख सकते हैं सैफरन जो है सिर्फ आजकल का बात नहीं है दोस्तों, पुराने आयुर्वेद का ग्रंथों में 5,000 साल पहले सैफरन का डिस्क्रिप्शन हमको पढ़ने के लिए मिलता है। जब पुराने आयुर्वेद ग्रंथ, जब चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इसका जब आप पेजेस देखते हो सैफरन के ऊपर, केसर के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। मतलब सैफरन जो है, केसर जो है, आपका स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को नरिश करता है, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। इतना ही नहीं, सैफरन जो है आपका जो त्वचा के ऊपर जो बैक्टीरिया रहता है, कीटाणु रहता है, उसको कम करता है, आपका जो इंफ्लेमेशन होता है उसको भी कम कर सकता है। दिस इज हाउ सैफरन केसर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा प्रोडक्ट के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे जाते हैं। अभी हमारा प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ केसर नहीं, नेचुरल प्लांट कोलाजन का भी इस्तेमाल हमने किया है। मतलब एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूं इधर, हमारा कोई भी इंडस विवा का प्रोडक्ट्स में सिर्फ प्लांट से निकाला हुआ, जड़ी बूटियों से या फिर नेचुरल से निकाला हुआ चीज ही रहता है। कोई भी प्राणी से निकाला हुआ, मतलब आपका जो एनिमल से निकाला हुआ, जानवर से निकाला हुआ चीज नहीं होता है, 100% शाकाहारी होता है, वेजिटेरियन होता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर।
सो नेचुरल प्लांट कोलाजिन जो है ये हमारा त्वचा के अंदर जो कोलाजिन रहता है उसको भी टाइट करता है। क्या होता है कि जब आपका त्वचा में कोलाजिन कम हो जाता है, आपका त्वचा लूज हो जाता है। जब हमारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप करोगे, आपका त्वचा टाइट होता है, नॉर्मली कोलाजिन बढ़ता है। दिस इज हाउ नेचुरल प्लांट कोलाजिन वर्क्स। तीसरा जो चीज है, हमारा प्रोडक्ट के अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब आपका अंगूर का जो बीज रहता है उसका एक्सट्रैक्ट होता है। इसके अंदर रेस्वेरेट्रॉल बोल के एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल रहता है। ये जो रेस्वेरेट्रॉल जो है आपका जो त्वचा के अंदर जो नमी रहता है वो नमी को बढ़ाता है। हमेशा आपका त्वचा सूखना नहीं चाहिए। जब आपका त्वचा सूखेगा, मतलब आपका त्वचा जब ड्राई हो जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा त्वचा के संबंधित बीमारियां आ सकता है। जब आपका त्वचा के अंदर नमी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको कोई किसी भी प्रकार का त्वचा के संबंधित बीमारियां नहीं आएगा। इसलिए जब आप आईग्लो का इस्तेमाल हर दिन करोगे, आपको त्वचा में नमी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको कोई भी स्किन का इश्यूज नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट के अंदर कोजिक एसिड रहता है। एसिड का मतलब ये कुछ तेजाब नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा जलन करने वाला तेजाब नहीं है। ये जो हमारा जड़ी बूटी से निकाला हुआ एक एसिड बोलते हैं इसको। ये जो कोजिक एसिड है, स्पेशली सन डैमेज, मतलब जो सूरज किरण जब गिरता है हमारा त्वचा के ऊपर, आपको स्किन कैंसर होने का संभावना होता है, बिकॉज सूरज के किरणों में अल्ट्रावायलेट रेस होता है। जब आप कोजिक एसिड का इस्तेमाल करोगे, ये अल्ट्रावायलेट रेस से आपको त्वचा को प्रोटेक्ट करेगा। सो ऑटोमेटिकली आपको किसी भी प्रकार का सन डैमेज नहीं होता है। इतना ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट के अंदर लिकराइस का एक्सट्रैक्ट होता है। लिकराइस मतलब हिंदी में हम इसको मुलेठी बोलते हैं, शायद आप सब लोगों ने देखा होगा मुलेठी। जब मुलेठी का इस्तेमाल होता है, स्पेशली हमारा त्वचा के ऊपर जो काला दाना होता है, डार्क स्पॉट्स होता है, वो कम करने के लिए मुलेठी का इस्तेमाल हम करते हैं। सो आगे जाते हैं दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट के अंदर ल्यूटिन का एक्सट्रैक्ट भी है। ल्यूटिन मतलब जो मारीगोल्ड फ्लावर से निकलता है, इसको हम ल्यूटिन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब मारीगोल्ड आप सबको पता है, ये फ्लावर से ल्यूटिन निकलता है। ल्यूटिन जो है हमारा जो स्किन हाइड्रेशन, मतलब आपका त्वचा में नमी बढ़ाता है और त्वचा का इलास्टिसिटी भी बढ़ाता है। सो फाइनली हमारा प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल कोक्यूटेन है। कोक्यूटेन का मतलब है कोएंजाइम क्यूटेन। सी, आपका शरीर भी तंदुरुस्त होना चाहिए, आपका त्वचा भी तंदुरुस्त होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है बट आपका त्वचा में वो तंदुरुस्ती कम होता है। इसलिए जब कोक्यूटेन का उपयोग होता है, आपका जो त्वचा का जो तंदुरुस्ती है वो बढ़ता है। दिस इज हाउ आई ग्लो विल हेल्प द स्किन इश्यूज। शायद ये चीज आप सब लोगों को अभी समझ में आ चुका है। सो फाइनली दोस्तों, आई ग्लो का बहुत सारे बेनिफिट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्किन लाइटनिंग। ये चीज के ऊपर मैं थोड़ा प्रेशराइज करना चाहता हूं। आई ग्लो का मतलब ये नहीं है कि एक काला आदमी को मैं गोरा बना दूंगा। नो, इट इज नॉट मेकिंग अ व्हाइट पर्सन लुक ब्लैक पर्सन लुक व्हाइट। नो, इसका मतलब है स्किन लाइटनिंग, मतलब जब एक लाइट डार्क टोन रहेगा उसको मैं लाइट कर सकता हूं। ऐसा बात आपको बोलना चाहिए, एक गोरा काला आदमी को मैं गोरा नहीं बना सकता, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इतना ही नहीं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वो दिख सकता है, रिंकल्स को कम करता है, स्किन को नमी बढ़ाता है, मतलब वो त्वचा में नमी बढ़ सकता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, आपका ब्लेमिश मतलब हम इंग्लिश में इसको स्कार्स बोलते हैं, स्कार मतलब जो पुराना जो घाव रहता है स्किन के ऊपर उसको कम करता है, आपका जो त्वचा का कांति बढ़ाता है, आपका स्किन डैमेज कंट्रोल करता है, पूरा शरीर का त्वचा के ऊपर इसका असर होता है। जब मैं फेस दिखाता हूं, जब मैं आपका चेहरा दिखाता हूं मेरा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आईग्लो जो है चेहरा के ऊपर काम कर रहे हैं। नो, आईग्लो जो है एक होलिस्टिक प्रोडक्ट हम बोलते हैं, मतलब एक संपूर्ण, एक परिपूर्ण एक प्रोडक्ट है, जो सर से पांव तक जहां जहां भी आपको त्वचा है, हर जगह त्वचा है, सो डेफिनेटली सब जगह ये काम करेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इतना ही नहीं, ये जो आईग्लो है आपको लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन, मतलब आपका जो खून है वो खून का भी वो शुद्ध करता है, मतलब उसको वो प्यूरिफाई करता है। सो ये सब एक्टिविटीज जो है हम आईग्लो में पा सकते हैं दोस्तों। सो फाइनली आईग्लो जो है हर तरह का त्वचा में यूज कर सकते हैं, शायद वो ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, या मिक्सेड स्किन हो, या लाइट स्किन हो, या डार्क टोन हो, सब तरह का त्वचा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये औरतों में, मर्दों में, बच्चों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। सो फॉर बेटर रिजल्ट्स मैं हमेशा आपको बोलता हूं सुबह एक और रात में एक आइग्लो का सैशे खाना खाने के 15 मिनट बाद आपको लेना चाहिए। ये बहुत दिन तक आपको ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का, किसी भी प्रकार का मेडिसिन या कॉस्मेटिक के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आया है। इस प्रकार ही आपको आइग्लो का सेवन करना चाहिए, वो भी खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले नहीं। सो